हेलो फ्रेंड, आप देख रहा है गुड रॉक लर्निंग। तो फ्रेंड, इस वीडियो में दिखाऊंगा पिक्चर ट्यूब कैसे चेंज करते हैं और टीवी का नया कैबिनेट में इसको कैसे फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड, यही हमें आज दिखाने वाला हो इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में इसलिए कैबिनेट को चेंज करना पड़ेगा हमें क्योंकि किसी का टीवी टूट गया और इसके बाद हमें कैबिनेट चेंज करना पड़ेगा इसलिए। तो यह है टूटे हुआ कैबिनेट, आप देख सकते हैं। मैं इसको चेंज करूँगा और नया कैबिनेट में डालूँगा पिक्चर ट्यूब को। तो फ्रेंड, इसको चेंज करना बहुत ही आसान है और जितना आसान आपको लगता है, आप एक बार पहले नहीं देखेंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो कोई भी काम हो करना है तो उसे एक बार देख लेना चाहिए, जितना ही आसान हो और जटिल हो, इसीलिए पहले एक बार देख लेना चाहिए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये काम करना। तो चलिए शुरू करती है। तो यह ग्राउंड कनेक्शन, इसको पहले ओपन करना हो और उसके बाद सीआरटी बेस को निकालना है। और यह है सर्किट बोर्ड को निकाले, यह रिमोट कंट्रोलिंग वायर, और यह एसी कार्ड का जैक है, इसको ओपन करें। और यह स्टिकर कैप, इसे ओपन करें इस तरफ। और यह हमारा यक्कल का कनेक्शन है हॉरिजॉन्टली, और यह वर्टिकली यक्कल का कनेक्शन, इस वायर को ओपन करना होगा। ओपन कर लिया। और यह डीसी कॉइल का कनेक्शन है जो पिक्चर ट्यूब के साथ रहते हैं और सर्किट में रहते हैं पीटीसी कॉइल के साथ, इसे ओपन करें। और एक कनेक्शन है, वो है स्पीकर का, जो साउंड स्पीकर है उसका कनेक्शन वायर है, इसे ओपन करें जैक को। ओके, तो आप हो गया। आप सर्किट को थोड़ा सा पास से रखिए आसपास, उसके बाद पिक्चर ट्यूब को उल्टा करता हूँ मैं कि उसका जो स्क्रू होता है चारों तरफ, स्क्रू को खोलना है। तो यहाँ पर तीन स्क्रू है, आप देख सकते हैं तीन स्क्रू है एक एक कोन में। तो किस कोई भी पिक्चर ट्यूब में एक स्क्रू होता है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर तीन स्क्रू है तो हमें तीन स्क्रू को ही खोलना होगा एक एक करके। और यह रिमोट कंट्रोलिंग सर्किट है जो रिमोट को कैच करता है सेंसर, इसे ओपन करें। अब इस तरह पिक्चर ट्यूब को निकालें पुराना कैबिनेट से। इसे हटा दीजिए, पुराना टूटी हुआ कैबिनेट है। उसके बाद यहाँ पर नया कैबिनेट को लाकर उल्टा करके रखना है इस तरफ से।
अब हमें पिक्चर इसका स्पीकर को यहाँ से स्क्रू लगाएंगे। यह रिमोट कंट्रोलिंग का बोर्ड है, जो रिमोट सेंसर का बोर्ड, इसको यहाँ पर लगाइए। और यह हमारा पावर बटन स्विच है, जिससे हमारा टीवी का सप्लाई ऑन ऑफ करते हैं। तो अब हमें पिक्चर ट्यूब को यहाँ पर इस तरफ से फिटिंग करें, जैसा थी बिल्कुल वैसे ही रखिए। उसके बाद यहाँ पर तीन स्क्रू है, जो हमें इसको टाइट करना है। इस तरफ स्क्रू यहाँ पर दीजिए। अब हमें स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है ठीक से। तो फ्रेंड, अभी हमें पिक्चर ट्यूब को स्क्रू टाइट देना और कंप्लीट हो गया। अब हम इसे सीधा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हमें सर्किट को यहाँ पर लाना है और जिस तरह पे यहाँ का कनेक्शन है सब कुछ हमें करना है ठीक से। ये स्टिकर कैप है, इसे हम पिक्चर ट्यूब के साथ लगाएंगे जिस तरफ थी। तो फ्रेंड, हमें जो कनेक्शन ओपन किया है, जो भी ये कल का कनेक्शन, आपको याद रखना होगा कौन सा कलर कनेक्शन कहाँ से ओपन किया है, हमें वैसे ही ठीक से कनेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यह है ग्रीन वायर, जो वर्टिकली ये कल का कनेक्शन, और उसके साथ रहते हैं येलो वायर, जो वर्टिकली ये कल का कनेक्शन है।
आप होगा वर्टिकल ये कल कनेक्शन आप मुझे करना है, ये हॉरिजॉन्टली का कनेक्शन जो रेड वायर है और ब्लू वायर, यह ब्लू वायर का कनेक्शन। तो यहाँ पर एक कल कनेक्शन के बारे में एक ज़रूरी बात है जो आपको याद रखना होगा, वो एक कल कनेक्शन गलती होने से सर्किट और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको ठीक से एक कल कनेक्शन करना है। याद ना रहे तो आप ठीक से लिख कर रख सकते। तो फ्रेंड यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आपको याद रखना है, वो है कि पिक्चर ट्यूब का जो ग्राउंड नेगेटिव कनेक्शन है इसको आप गलती से भूल ना करें, क्योंकि कनेक्शन के बिना आप सेट का ऑन करेंगे तो आपका सर्किट में मेन आईसी ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें ग्राउंड को कनेक्शन करने से कभी भी गलती ना करें। पिक्चर ट्यूब के साथ लगी रहते जो ग्राउंड नेगेटिव कनेक्शन है इसको सीआरटी बेस से कनेक्शन करें, ये है वो कनेक्शन, इसको ध्यान से कनेक्शन करना चाहिए। गलती से भी इसको कनेक्शन के बिना आप टीवी ऑन ना करें, ये बहुत एक ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट। और ये है स्पीकर का कनेक्शन है, दो स्पीकर है जो साउंड स्पीकर, हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है, जैक को लगाना है, इस तरफ से ऐसे लगाए। और ये है एसी सप्लाई, एसी कॉर्ड का कनेक्शन है जो हमारा ऑन ऑफ स्विच से आता है सर्किट में, इसे यहाँ पर लगाए। और यह हमारा रिमोट कंट्रोलिंग बोर्ड का कनेक्शन है जैक, इसे यहाँ पर लगाए। और यह पैनल का कनेक्शन है, बस हो गया और कुछ नहीं है, अब हम टीवी को ऑन कर सकते हैं। आप ऐसे ही कनेक्शन करें और अब मैं टीवी को ऑन करके देखूंगा इसका क्या कंडीशन है, क्या है। स्विच को ऑन किया मैंने, आप देख सकते हैं टीवी ठीक हो गया। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।